सिरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां, नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम, पवित्र रिश्ता पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का, पवित्र रिश्ता पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का। बेटा बैठो, पंडित जी हवन शुरू करो। बहुत अच्छा लग रहा है एक बार फिर से दोनों को साथ देखकर। और सविता जी, पति पत्नी में तो नोकझोंक होती रहती है, लेकिन सही मौका देखकर पुरानी कड़वाहट भुलाकर एक साथ हो लेने में ही समझदारी है। बिल्कुल, आपने मेरे मन की बात कही, इसलिए तो मैं खुद उसके घर जाके उसे लेके आई। अच्छा, आखिर बच्चे तो गलतियां करेंगे, बड़ों को उसे सुधारना चाहिए, है ना? अभी मैं उसकी सासुमा, नहीं नहीं सासुमा नहीं, उसकी आई, जैसे तुम्हारे श्रावणी की मैं आई बनने वाली, वैसी उसकी आई। मेरे बस में हो तो इस डायन का गला घोट दो, मेरी जगह पर डेरा जमाए बैठी, कभी भला नहीं होगा इसका। इसके घर में भूकंप आएगा, बाड़ी से बहाकर लेकर जाएगी, सत्यानाश होगा इसका। मैं आपकी जिंदगी से जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए, और कभी दोबारा आपकी तरफ पलट कर भी नहीं देखूंगी। अभी आपका आहुति अर्पण करना है। पता नहीं कहां से टपक पड़ी है इन मौके पर, मेरा सारा क्रेडिट खुद लेके गई। कल वही हुई
सविता, मानना पड़ेगा तेरे बड़प्पन को। हाँ, अरे नहीं, पूजा में तो तू बैठने वाली थी, तू अपने हाथों से करने वाली थी, तूने अपने बहू को कैसे बैठने दिया? लगता है उसका हाथ तुझसे ज्यादा लंबा है ना। अच्छा ठीक है, उसके आने से तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तेरा कुछ जाता नहीं है, लेकिन उससे आने से तो तुझे लेने के देने पड़ गए ना। तेरा हो गया बोल के ताने मार के हो गए, पेट आधा खाली होगा ना तो उधर खाना तैयार है, जाके खाना का हा? और ज्यादा बोलेगी ना तो हवन कुंड जल रहा है, उठा के मैं तुझे फेंक दूंगी। हा? पहले बोलती हूँ, भेजा खा रही है मेरा। मैम सॉरी मैम, लेट हो गया आते आते, वो ट्रैफिक का प्रॉब्लम था थोड़ा। नहीं कोई बात नहीं, आप ही बोर्ड वहाँ लगा दीजिए गैरेज के। जी बिल्कुल, अभी लगा देता हूँ। मिस्टर माना, ये कुछ पेपर्स हैं, इन पर आपको साइन करना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारी कंपनी की तरफ से आपको अपने नए गैरेज के लिए। अर्चना बेटा शुक्रिया। बेटा शुक्रिया। वैसे तो मैं मेरे असल जिंदगी में स्टेज पे नाटक करता हूँ, लेकिन आज पहली बार मैंने मेरी जिंदगी में झूठ मूठ का नाटक किया दारू पीने का। बाबा मुझे मालूम है बेटा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैं चाहता था कि मेरे मानव के गैरेज के उद्घाटन का हवन तेरे और मानव के हाथ से ही हो। बड़ा सुकून मिला तुम दोनों को एक देखकर। भाप्पा घरे, तुम दोनों पूरी जिंदगी भर इसी तरह एक साथ रहो। बाकी मेरे बर्ताव से तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची होगी तो बेटा मुझे माफ करना। जन्म का बदला चुका रहे आप? क्यों
ऐसा क्या किया मैंने कि तेरी ये लंबी नाक कट गई? इतना सब कुछ होने के बाद आप मुझसे पूछ रहे हैं? पूरा रामायण खत्म हो गया तो पूछते हैं मुझे सीताराम की कौन? वहां जाके ही नशा करना था क्या? घर आते हूँ ढोसाला होत ने अर्चना, वो अर्चना अगर लोन वाले कंपनी से नहीं आती थी ना तो मैं उसकी ऐसी मरम्मत करती। उसमें इसके आए ससुर जी, उनके सामने भी हमारी इज्जत का फालूदा होता है, तो इज्जत रखने के लिए मुझे हाँ बोलना पड़ा, वरना मैं उसको ऐसा बराबर करती। मानो वो लक्ष्मी की बच्ची भी मुझे उधर आके जलीकट्टू सुना के गई। अरे छोड़ ना, अंत में तूने ही रिबन काटा ना। हाँ। फिर वो बात भी सही है। अभी हम बड़े बन गए हैं, अभी हमें छोटे लोगों के बारे में सोच के टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। ज्यादातर हमें गिरीश जी जैसे ऊंचे लेवल के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक बात बता सविता। हाँ? वो लोग 50 तोला सोना दे रहे अपनी बेटी को, तुझे तो कम से कम 25 तोला सोना तो देना ही चाहिए। हाँ। अरे इसका पोपट हो गया, पोपट हो गया रे इसका। अपनी औकात में रे, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत कर। और सचिन, तेरी अब जिम्मेदारी बढ़ गई है, उसे अच्छी तरह निभाना। अरे वाह, देखा मानव, सौ चूहे खाके बिल्ली चली हज करने। मुझे बताओ ना, आपने कितनी जिम्मेदारियां उठाई संसार में, बोलो ना। आई 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 बाबा, जो कुछ भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाऊंगा और श्रावणी को कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। पहुंचाना भी नहीं, मेरी बहू मेरी बेटियों जैसी होती है। ताई, आज मैं तेरे ऑफिस गई थी और वहां पे मैं वहां नहीं थी, कहां गई थी, क्यों गई थी, ये पूछना चाहती ना तू मुझसे? अरे नहीं ताई, मैं तो बोलना चाहती थी कि मानव के गैरेज गई थी। क्या बात कर रही है ताई, तो सचमुच जीजू के इनॉग्रेशन पे? वाओ, मुझे पता था तू जरूर वहां जाएगी। और मैं वहां अपनी मर्जी से नहीं गई थी, मुझे वहां किसी ने भेजा था। किसने भेजा था? सतीश जी ने। सतीश जी ने? हाँ, मैंने काफी इनकार करने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आज ऑफिस में ऐसा कोई भी मेंबर नहीं है जो मानव के गैरेज में जाकर हमारे कंपनी के नाम का बोर्ड लगा सके, सो मुझे ही जाना पड़ेगा। फिर भी मैंने उन्हें ना ना कहा, लेकिन फिर सतीश जी ने मुझे कहा कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को दोनों को एक दूसरे से अलग रखना चाहिए। फिर मैं इससे आगे उनसे कुछ कह ही नहीं सकी। लेकिन वर्षु, सच कहूं, जब मैं वहां पहुंची ना, इस हवन में बैठेगा मेरा बेटा मानव और मेरी बहू अर्चना। जानती हूँ सतीश जी ने तुझे वहां पर क्यों भेजा। क्यों? क्योंकि वो ये जताना चाहते हैं कि जीजू को लोन देकर उन्होंने कितना बड़ा एहसान किया उनके ऊपर,
औलाद बनने की कोशिश कर रहे थे, यही तो करते आ रहे हैं वो। पहले खुद ही बात को बिगाड़ो, फिर खुद ही बात को सुधार कर सब लोगों के बीच में भगवान बनने का ढोंग करो। वर्षु तू ये क्या कह रही है? सही तो बोल रही हूँ ताई। ताई तुझे याद है जिस दिन तू गलती से उस बंगले में पहुंची थी, सतीश जी ने तुझ पर शक किया था, तुम दोनों के बना बनाए रिश्ते को तोड़ दिया। क्यों? तब तेरी जिंदगी की फिक्र नहीं थी उन्हें? लेकिन जिस दिन से तुम्हारे और जीजू के बीच में प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई, आ गए मसीहा बनकर तुम्हारी हेल्प करने, जीजू को गुनहगार ठहराने। अरे क्यों? इतना ही प्यार था तो रिश्ता तोड़ा ही क्यों? बस वर्षु तू क्या कह रही है? सतीश ऐसी क्यों कोशिश करेंगे, क्यों मानव को गुनहगार साबित करें? उस दिन वो सिर्फ एक MMS ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत से सबूत थे जो मानव को छोड़ना। जब अपना ही सिक्का खोटा हो ना तो दूसरों को दोष नहीं दिया करते। नहीं ताई, मैंने तुझसे पहले भी कहा है, अब भी कह रही हूँ। ताई जरा सोच, जिस इंसान के मन में तेरी बहन की इज्जत की इतनी कीमत हो, वो तुझसे इस तरह का व्यवहार करेगा? क्या ये हो सकता है? इस सब में अगर कोई गलत है ना, तो वो है सतीश जी और बहनी का भाई अजीत। उन दोनों ने मिलकर जीजू को गलत ठहराने की कोशिश की है। खैर, लेकिन सतीश जी ने एक बात तो अच्छी की, उनके फायदे के लिए क्यों ना सही। उनकी वजह से तू जीजू के गैरेज के ओपनिंग में तो पहुंची। ताई, ताई जरा सोच, पापा खुद चाहते हैं तुम दोनों का रिश्ता फिर से जुड़ जाए। ताई अभी भी वक्त है, बातें सुलझ सकती हैं। नहीं, अब सुलझने के लिए कुछ नहीं बचा। वर्षा, अगर पापा वाकई चाहते ना कि हमारा ये रिश्ता ना टूटे, तो हमारा ये रिश्ता डिवोर्स पेपर्स तक कभी पहुंचता ही नहीं। क्या हुआ? एग्जाम टेंशन? डर मत, मैं तेरी हेल्प करूंगी। तुझे सारे सब्जेक्ट सिखा दूंगी एक्सेप्ट मैथ्स, बिकॉज अगर मैं तुझे मैथ्स सिखाऊंगी तो तू फेल हो जाएगी। ताई मुझे एग्जाम का टेंशन नहीं है। ताई तो मुझे हर्षु ताई की चिंता है, उसे कल जाना है ना। कहाँ जाना है? कोर्ट जाना है, समन्स आया है उसके नाम का। कल जीजू और ताई के डेट की सुनवाई है ना, और मानो जीजू और उसे कोर्ट में बुलाया। वैशु जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, मैं जानती हूँ जीजू बिल्कुल बेगुनाह है। तू इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती? कैसे मतलब क्या वैशु? मेरा मन कहता है कि जीजू बेगुनाह है। तू ही सोचना, वो ताई से इतना प्यार करते हैं तो फिर वो उसे बदनाम करने की कोशिश कैसे करेंगे? तो बिल्कुल ठीक कह रही है ताई, मुझे भी मानो जीजू बहुत पसंद है, और मेरा मन मानता नहीं है कि वो इस तरीके की गलती कर सकते हैं। जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है। मैंने माना कि उनके रिश्ते में कुछ गलत फहमियां हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वैशु अगर वो दोनों अलग हो गए ना, तो उनके प्यार की और उनके पवित्र रिश्ते की हार होगी। तो बिल्कुल ठीक कह रही है ताई। ताई चलना, हम दोनों जाके ताई से बात करते, शायद कुछ ठीक हो जाए, शायद उसका इरादा बदल जाए। तो ठीक कह रही वैशु, चल बात करते चल। अरे वैशु तू अभी तक सोई नहीं? 10 बज गए और देर रात तक ऐसी जगी रहती है और फिर सुबह उठने में नाटक करती है। चल चल सो जा। ताई कल तू कोर्ट कितने बजे जाएगी? दस बजे पहुंचना है, 9 बजे यहां से निकल जाऊंगी मैं। ताई क्या तू सचमुच?
वर्षु, वर्षु को भी सोना है और मुझे भी। मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ।